साथियों नमस्कार। गाय भैंस व घोड़े घोड़ियां रखने वाले किसान भाई चारे की समस्या से अत्यंत परेशान रहते हैं। सूखे चारे के आसमान छूते भावों के कारण 10 से 15 गाय भैंस रखने वाले किसान 3 से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष चारे पर ही खर्च कर देते हैं। सुपर नेपियर घास लगाकर सूखे चारे पर होने वाले खर्च को 75% तक कम किया जा सकता है। देश का हर पढ़ा लिखा किसान नेपियर घास लगाना चाहता है, पर नेपियर घास लगाने से संबंधित कई सवाल उसके मन में पैदा होते हैं। मसलन, नेपियर घास का बीज या कलम कहाँ से खरीदें? ऑनलाइन कलम बेचने वाले किसान पेमेंट पहले लेते हैं, पेमेंट करने के बाद वो कटिंग भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? कोरियर द्वारा भेजी जाने वाली कटिंग खराब तो नहीं हो जाएगी? कटिंग ऑनलाइन मंगवानी है पर पहली बार में कितनी मंगवाएं, खर्चा कितना आएगा, क्या नेपियर घास का बीज ऑनलाइन मंगाया जा सकता है? मैं इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के जवाब इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि मैंने मेरे घर पर नेपियर बीज से लगाई है। साथियों, इस खेत में जो नेपियर घास खड़ी है इसे सुपर नेपियर घास कहते हैं। इसकी लंबाई बाली आने पर 17 फीट तक हो जाती है। इसे काटने पर या न काटने पर भी इसमें से लगातार नई शाखाएं निकलती रहती है। अगर आप इसे उचित दूरी पर लगाते हैं और खाद पानी का सही प्रबंध करते हैं तो लगाने के एक वर्ष बाद इसमें 50 से अधिक ब्रांच हो सकती है। पशुओं के लिए लगाई जाती है क्योंकि इसका तना नेपियर घास बाजरा मक्का व ज्वार के हरे चारे से बहुत मीठी व अत्यंत पौष्टिक होती है, जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। आइए पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। सुपर नेपियर का बीज या कलम खरीदने की बात करें तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सुपर नेपियर घास का बीज होता ही नहीं है। नवंबर दिसंबर के महीने में पौधे पर बालियां जरूर आती है पर उनमें बीज नहीं बनता है। सुपर नेपियर घास को ब्रांच या कटिंग से ही लगाया जा सकता है। गूगल पर नेपियर के जो बीज उपलब्ध होते हैं उन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना है क्योंकि वो नेपियर के अन्य किस्मों के बीज होते हैं। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सुपर नेपियर घास की कलम खरीदने के लिए आप यूट्यूब पर उपलब्ध किसानों से ही संपर्क करें। अगर आप गूगल पर उपलब्ध कंपनियों से कलम खरीदते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि सही गुणवत्ता की कलम आप तक पहुंचेगी। यूट्यूब पर उपलब्ध किसान नेपियर ब्रांच का ऑर्डर करने पर पेमेंट पहले लेते हैं, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फ्रॉड या धोखा होने पर उस यूट्यूब चैनल की साख भी खराब होती है। कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं चाहता है। पेमेंट संबंधी शंका के समाधान के लिए आप पहले 100-200 कलम मंगा सकते हैं, इससे आपको ब्रांच की क्वालिटी का भी पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से सुपर नेपियर की कटिंग खरीदना चाहें तो मैं आपको किसान भाई की जानकारी देना चाहता हूं। कटिंग खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप इनसे बात कर सकते हैं। बात करने से पहले आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें वरना नेपियर के मामले में आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। गलत समय या गलत तरीके से कटिंग लगाने से पूरी कटिंग नष्ट भी हो सकती है। आपको नुकसान से बचाने के लिए मैं आगे सारगर्भित बातें ही करूंगा। कटिंग से नेपियर घास लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई व अगस्त का महीना होता है। इस समय कटिंग की जर्मिनेशन रेट 90-95% तक रहती है। इसके बाद आप फरवरी तथा मार्च के महीने में नेपियर घास लगा सकते हैं। इस समय बसंत ऋतु होती है और बसंत ऋतु में हर पेड़ पौधे को लगाया जा सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओवरऑल टाइम की बात करें तो दिसंबर जनवरी माह को छोड़कर आप वर्ष में कभी भी नेपियर घास लगा सकते हैं। इसके लिए दिन का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। कोरियर द्वारा प्लास्टिक बैग में भेजी जाने वाली बिना अंकुरित की हुई कटिंग्स 15 दिन वे अंकुरित की हुई कटिंग 7 दिन तक खराब नहीं होती है। अगर आप पहली बार कटिंग मंगवा रहे हैं तो 500 से ज्यादा कटिंग न मंगवाएं क्योंकि अगर आप कटिंग को सही ढंग से न लगा पाए या मिट्टी में दीमक आदि की समस्या हो या अत्यधिक ठंड या गर्मी हो तो ज्यादातर कटिंग नष्ट हो सकती है। अगर आपके पास 6-7 गाय भैंस है तो आपको कम से कम 1 बीघा में सुपर नेपियर घास लगानी होगी। नेपियर लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट फिर लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखी जाती है। इस प्रकार 1 बीघा में सुपर नेपियर कब या कैसे लगाएं, खाद पानी कितना दें आदि विषयों पर 4 वीडियो चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं। उन्हें देखने पर आपको नेपियर के बारे में काफी जानकारियां मिलेंगी। वीडियो मन तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।